हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये टेस्टी एंड क्रिस्पी फलाफल, जिसे आप चिकपी पकौड़ा भी बोल सकते हैं। वैसे ही फलाफल के नाम से ही जाने जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फलाफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकपीस लिए हुए हैं, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था। इसी के साथ जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़ हैं, 5-6 गार्लिक क्लोव्स हैं, चॉप्ड आनियन है, मिंट एंड कोरिएंडर। तो अब हम इन सारी चीज़ों को सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल में मिक्स कर लेंगे। ये एक परफेक्ट एपेटाइज़र है। आपके घर में जब भी गेस्ट आ रहे हो, आप एक बार ज़रूर इनको ये बनाकर सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बनते हैं और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। और ध्यान रखिए, ग्राइंड करते टाइम आपको इसका बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही आपको इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। और हाँ, पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसी के साथ मैंने यहाँ पर पिंच ऑफ हींग ऐड की हुई है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। अब हम ये सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन ऐड करूंगी। ये हमको बाइंडिंग में हेल्प करेगा। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बेकिंग सोडा ऐड करना ऑप्शनल है। अब हम दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँ। बॉल्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मिक्सचर अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं। आप अपने दोनों हाथों की हेल्प से बॉल्स बनाइए। और हाँ, अगर बॉल्स बनाते टाइम ये बैटर आपके हाथ में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे ये बैटर आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। साथ ही बॉल्स बनाने के बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर दिया है, जिससे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पर एक टिप है दोस्तों आप सभी के लिए, अगर फ्राई करते टाइम आपके ये बॉल्स फट जाते हैं किसी भी रीज़न से, तो आप अपने बैटर में कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए, 2 टीस्पून या 3 टीस्पून, जैसा जिस हिसाब से भी आपका बैटर है आप उसके अकॉर्डिंग कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए। तो फ्राई करते टाइम आपके जो ये बॉल्स हैं ये फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका था, तो अब 1 बाय 1 करके मैं सारे बॉल्स इसमें ऐड कर दूंगी। और हाँ, यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे, साथ ही ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो अगर आप इनको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप मीडियम फ्लेम पर इनको धीरे धीरे फ्राई कीजिए। फ्राई करने में ये हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इसी तरह आप धीरे धीरे चलाते हुए इनको फ्राई कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये कितने फ्लफी बने हैं। आप अभी ये मैंने इनको निकाला नहीं है, लेकिन देखकर समझ आ रहा है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने हैं, साथ ही क्रिस्पी भी हैं, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। तो यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और इनको फ्राई करते करते 10 मिनट भी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। किचन टॉवल पर निकालने से इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी ये रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह हम बाकी के भी फलाफल फ्राई कर लेते हैं। एक बार आप ये अपने घर में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा एपेटाइज़र है। छोले की सब्ज़ी तो हम सभी को पसंद आती है और हम सब ने खाई भी है। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के साथ हम छोले की सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस डिश को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मानसून स्पेशल है, कभी हल्की हल्की बारिश हो रही हो तो पकौड़े तो हम सभी बनाते हैं। तो बस एक बार आप ये फलाफल भी बनाकर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही आप इनको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर कर दे सकते हैं। आप इसको रैप के अंदर रोल कर दीजिए,
तो बहुत ही अच्छा फलाफल रैप तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आप ब्रेड के अंदर भी इसको रख सकते हैं, तो आपका फलाफल सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सारे फलाफल फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।